आपके लिए लेकर आया हूँ तकरीबन 10 दिनों के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसलिए मैं 10 दिनों के बाद लेकर आया हूँ जो कि आज आपके लिए ये वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अंत तक बने हुए रहिएगा और नहीं तो आप लोगों को जॉब नहीं लगने जा रही है इन शिक्षक बहाली में। आपने ये तो जो अभी थंबल देखा होगा, आपको देखने के बाद शॉर्ट एकदम लगा होगा कि आप सर ये कैसे कह रहे हैं कि अब मौका नहीं मिलने वाला है। सही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, सही बोल रहा हूँ। कल का आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, उसमें कहा गया है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के बहाली की बात किया गया लेकिन प्रारंभिक की बात नहीं किया गया। सारी चीज़ों के ऊपर डिक्लेयर आज हम बात करेंगे। आज हमारी टीम सचिवालय भी जा रही है। आपको मालूम होगा कि हम 10 दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं, कारण बस वही है कि थोड़ी सी परेशानी चल रही थी हमारे साथ, जो कि कहा जाए कि तबीयत खराब कुछ चल रही थी, तो इसी कारण बस मैं नहीं बना रहा था। और ऊपर से एक और बड़ी कारण थी नहीं वीडियो बनाने का, वो आप लोग ही कारण है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों नहीं मौका मिल सकती है, कैसे मौका मिल सकती है। कल का आपने न्यूज़पेपर भी देखा होगा जिसमें साफ साफ कहा गया है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लेकर शिक्षकों की बहाली के लेकर एक टीम का गठन किया गया, उस टीम के तहत ही अब शिक्षकों की बहाली किया जाएगा। ये तो आपने देख लिया। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, कॉल आ रहा था, सर क्या अब सिर्फ माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बात किया जा रहा है, हम लोग की बात क्यों नहीं किया जाए? तो क्यों किया जाएगा आप लोग की बात, आप लोग को खुद सोचना चाहिए क्यों किया जाएगा आप लोग की बात। आप लोग होते कौन हो जी, कौन हो? सिर्फ घर में बैठ के रहोगे तो क्या आप लोग की, क्या सरकार इतना सुध-बुध अगर लेके चलती तो आप लोग को क्या आंदोलन करने की जरूरत पड़ती? सचिवालय महीना में 10 बार जाने की जरूरत पड़ती? क्या केस करने की जरूरत पड़ती? क्या आप लोग समझ रहे हैं अपने आप को? मतलब घर में रहकर 90% घर में सोए हुए ऐसी कि उसको न्यूज से मतलब होता है, बाकी कुछ से मतलब नहीं होता है। मिले तो भी बाबा, नहीं मिले फिर भी बाबा, घर से तो पेट पल ही रहा है, क्या जरूरी है? मतलब इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी आपको जानकारी देने वाला हूँ जिससे आपको अंदर थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी ये वीडियो देखने के बाद कि आखिर आप ये कैसे बोल रहे हैं, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। आपको मालूम होगा कि हम 2 महीना से हमारे साथ अजय जी चाहे जो भी हम लोग सचिवालय का दौरा कर रहे थे, हमारी किडनी में स्टोन हो गया। आपके लिए भूखे प्यासे सचिवालय में बैठे, भूखे प्यासे बैठे बैठे सला स्टोन हो गया हमको। अब अपना पैसा से हम अपना बर्बादी के तो कगार पे हम चले गए हैं, कितना लाखों रुपया मेरा खर्च हो गया। और आप लोगों को क्या लगता है, अभी भी हम एक्टिव हैं? अभी भी हम एक्टिव हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने इतना किया, हमारे साथ इतना परेशानी भी आई, फिजिकल परेशानी भी आई, फिर भी हम अभी भी आपके लिए एक्टिव है, अभी भी हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आप लोगों में से कुछ 90% को तो लग रहा है कि घर में बैठ कर लग रहा है कि जॉब तो रखा हुआ है, जॉब ये सब जब लड़ ही रहा है तो हमको लड़ने की क्या आवश्यकता है, हम लोग को तो नौकरी मिलेगा, क्या खाक नौकरी मिलेगा? कभी नहीं नौकरी मिलेगा, पागल वाला बात मत किया करो। जो ऐसे सोचते हैं वो पागल इंसान है और पागल इंसान कभी कुछ नहीं कर सकता है। मतलब हो क्या रहा है यार, अपने कैरियर के ये जब लड़ नहीं सकते हो, स्टेट वाला को पता है क्यों मिल रहा है? क्योंकि स्टेट वाला पटना में जब जाता है एक बार उसका डेट अनाउंसमेंट होता है कि इतना तारीख को आना है, तो एक भी घर पे नहीं बैठता है। बूढ़े मतलब क्या कहें कि बच्चे, वो अपने फीमेल हो मेल हो सारे लोग अपने परिवार को लेकर वहां पहुंच जाते हैं, एकदम जुनून के जुनून के साथ पहुंचते हैं, वहां पे लड़ते हैं जाकर। और आप लोग क्या है, चुपचाप घर में चद्दर तान के बैठे हुए हो, तो क्या आपको लग रहा है कि मौका मिलेगा? किसी भी स्थिति में आपको मौका ऐसे करने से नहीं मिलेगा। इससे सिर्फ आप लोगों को मालूम होगा कि पेपर में सर कल न्यूज नहीं आया हम लोग के लिए, क्या खाक आएगा आप लोग के न्यूज? कुछ नहीं आएगा आप लोग के न्यूज। और न्यूज के बाद क्या कर रहे हो, आप लोग को जॉब ही नहीं लगने जा रहा है। आपको ये वीडियो देखने के बाद शायद शौक लगा, लेकिन जब तक आप लोग लड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है।
आप स्टेट के बारे में कह रहे हैं कि पेपर में दिल्ली के पड्डे आती है, ऐसा ऐसा न्यूज, लेकिन आती है इसलिए क्योंकि वो लोग एक्टिविटी कर रही है, वो लोग लड़ते हैं जाकर। आप लोग जाकर आप लोग एक बार देखिए स्टेट वाले क्या कर रहा है, और आप लोग घर में बैठ कर झक मार रहे हो, झक मार रहे हो कि एक तो केस से हार गए, ऊपर से बकलोल, कौन सा बकलोल को केस दे दिया कि केस से एक तो हार गया, एलपीए केस हार गया, ऊपर से डबल बेंच में गया तो डबल बेंच में खारिज कर दिया गया, पीआईएल के दायरे के पीआईएल के ऊपर पैसा उगाही की बात किया जा रहा है बार बार, मतलब जिसका जरूरत नहीं है उसको लेकर सब एक्टिव रहता है कि पता है पीआईएल को लेकर पैसा उगाही की क्यों बात किया जा रहा है, क्योंकि एक बार हफ्ता में जाएंगे पैसा 5,000 रुपया खर्चा करेंगे, 10,000 रुपया सबको दिखाएंगे कि 10,000 खर्चा हुआ, उसमें से अपने जेब में भी डालेंगे, ऊपर से वहां भी जान डालेंगे। आप लोग क्या समझ रहे हो यार, सचिवालय के नाम पर जब हम लोग इकोनॉमिक हेल्प के नाम पर हमारी टीम बोली कि कुछ हेल्प लिया जाए, तो हेल्प के नाम पर जब हमने अकाउंट जारी किया तो मात्र 700 रुपया अकाउंट जारी किया गया। क्या आप लोग कर रहे हो, भिखारी समझ रहे हो क्या आप लोग यार, 2 महीने में 700 रुपया मात्र खर्चा होता है, वो भी सचिवालय जाने में, एक दिन घर से बाहर निकल कर देखो फिर मालूम होगा कि क्या कुछ हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। अब कह रहा हो कि एक टीम बना के चलिए, एक होके चलिए, क्या खा के होके चलेगा, लोग अपना जमीन बेच के सब चीज करेगा, घर द्वार बेच के लोग करेगा, आप अपना कम से कम एक दिन घर से निकल कर देखो, आप अपना जमीन बेच के करके दिखाओ। जो लोग ऐसा बोलता है वो सिर्फ बट 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 बोलने वाला है। मैं मतलब उठ चुका हूँ यार इस सब से कि गुस्सा भी बढ़ता है कि इतना मतलब महीना से हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी हम लोग के लिए गवर्नमेंट के यानी कि अधिकारी के नज़र में कुछ भी नहीं है। कारण बस यही है कि सिर्फ हम 2 आदमी जाए सचिवालय में जाए, अपना बात रख के आए, उनसे हम जो किया है वो हमको बता दे कि ऐसे ऐसे होगा, सिर्फ वो लेके हम लोग आश्वासन लेके चले आए। सिर्फ आश्वासन से नहीं होगा, हम लोग जब सचिवालय जाते हैं आपको बोलते हैं कि हम लोग इंटरनल वर्क कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्क का आप लोग जवाब नहीं लीजिए कि हाँ भाई हम लोग जाएंगे बाहर से, हम लोग आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जैसे भी हो हम लोग मौका लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, आप लोग को तो हम लोग तो कर ही रहे हैं, तो क्या जरूरी है आप लोग का करने का, चाहे हम बीमार पड़ जाए, चाहे हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, चाहे भूखे प्यासे मर जाए, क्या फर्क पड़ता है, आप लोग को जॉब तो मिल ही रहा है। ऐसे करोगे तो 7 जन में नहीं मिलेगा टीचर के लोग, एक बार ध्यान में रख लो, चाहे जो भी हो वीडियो देख रहे हो तो वीडियो मतलब मैं क्या कहूँ आपको, वीडियो आप देख रहे हो धन्यवाद, लेकिन आपको समझना चाहिए, सिर्फ घर में 90% लोग सोया हुआ है, सिर्फ घर में 90% लोग सिर्फ घर में कम्बल ताल के चद्दर टान के सोया हुआ है, उसे कुछ मतलब नहीं है। और खासकर फीमेल से मैं कहना चाहूंगा कि शर्म आने चाहिए ऐसी फीमेल कैंडिडेट को जो आज तक पटना का मुंह नहीं देखा है और कह रहा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसे कैंडिडेट को तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता वो क्या चीज के लिए लड़ेगा, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता वो क्या चीज के लिए लड़ेगा। वीर कुंवर सिंह जब देश की आजादी के लिए 80 साल की उम्र में जब वो इतना कुछ किए थे, जब दूर दूर तक उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि देश आजाद होगा या नहीं होगा, फिर भी वो अपने हक के लिए लड़ते रहे और आखिर देश आजाद हुई। और आप लोग को मालूम होगा है कि हम लोग को जॉब मिलेगी, अगर हम लोग लड़ेंगे तो सुनिश्चित मिलेगी, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो कुछ है ही नहीं, बाप के पैसा पे कमाना है, बाप के पैसा पे खाना है और सोए हुए रहना है, तो क्या दिक्कत है ऐसे स्टूडेंट को। और ये सही बात है कि प्रारंभिक स्कूल में यानी कि प्रारंभिक बहाली में दिसंबर जनवरी में ज्यादातर स्टूडेंट के काफी कम एज है, तो वो तो सोच ही रहे हैं कि हमारे बाबूजी माताजी हमें कमा ही रहे हैं, घर से हमें इकोनॉमिक हेल्प मिल ही रहा है, पेरेंट्स की तरफ से हमें इकोनॉमिक हेल्प मिल ही रहा है, तो क्या जरूरी है हमें जॉब करने का। तो ठीक है मत करो जॉब, कम से कम 100% श्योर तो कह दो कि ठीक है आप सब लोग छोड़ दीजिए, हम भी छोड़ देंगे। क्या हम लोग 10 लोग, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो बनाने के लिए आप कहते हैं, अरे बेवकूफ इंसान, वीडियो बनाने के लिए कहते तो 10 दिन के बीच में हम वीडियो नहीं बनाते, जान के हम वीडियो नहीं बना रहे थे। आपको क्या लगता है कि वीडियो से ही हमारी पूरा मतलब परिवरिश होता है, पूरा हम सब चीज चलाते हैं यही वीडियो से, 200 रुपया 500 रुपया से, बेवकूफ वाला काम करते हो। कभी भी मौका मिलेगा तो लड़कर मिलेगा, मैं जो भी बोला हूँ सच बात बोला हूँ, आपको बुरा लगा हो आई एम सॉरी वेरी वेरी सॉरी, बट सच्चाई यही है दोस्तों, आप लोग लड़ेंगे फिर मौका मिलेगा, नहीं लड़ेंगे मौका नहीं मिलेगा, आप लोग को इलेक्शन का वेट करना होगा। इलेक्शन में भी पूरा नहीं हुआ, एक तो ये छठी चरण की बहाली अभी पूर्ण नहीं होने जा रही है, 2022 में पूर्ण होगी, और आने वाले जो बहाली है आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी तुरंत बहाली आने वाली है, नहीं आ सकती, आप लोगों को घर पे बैठे रहने से नहीं आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की आएगी तो प्रारंभिक की आएगी, क्या आप लिख दे रहे हैं कि ऐसा आएगी, नहीं दे सकते आप लोग लिखित। आज हमारी टीम सचिवालय फिर जा रही है, मैं तो सचिवालय खैर आज नहीं जा रहा किसी कारण, बस क्योंकि हम कहीं अलग हैं, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी तो हम अभी पटना में नहीं, मैं कहीं अलग आ गया, बट फिर भी हमारी टीम आज जा रही है। आप लोग देखिए ऐसा कीजिएगा तो मजबूरन हमारी टीम को और सारे लोगों को ये सब सब चीज़ छोड़ना होगा 100%,
कुछ लोग घर से बैठे बैठे चंदा उगाही के नाम पर, नए नए केस के नाम पर 1,000 रुपया 500 रुपया की उगाही करके चले जाते हैं और आप लोग फटफट दे के निकल जाते हो, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो आपसे चवन्नी नहीं निकलता है। सर माने चाहिए ऐसे इंसान को, ऐसे इंसान को सर माना चाहिए। आप एक कैसे शिक्षित व्यक्ति कहलाएंगे,